एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। ठंड बहुत ज्यादा है और आप अपने घर पे ही रहिए, कहीं बाहर मत जाइए, ठीक है? सिर्फ आप अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करिए, क्योंकि अब की बार आपको टीसीटी पीसीटी और एलटी ग्रेड के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा फोकस करना है। हालांकि वैकेंसी के लिए आप वेट कर रहे हैं, अभी तक वैकेंसी आई नहीं है और कब आएगा नोटिफिकेशन भी अभी आपको मिला नहीं है, तो इसके लिए आप बिल्कुल भी आप इसके लिए परेशान मत होइए, क्योंकि आपकी वैकेंसी जरूर आएगी। इसके बारे में बताने के लिए मैं डेली आपको एक अलग सी क्लास जो आपकी ली जाती है, डेली आपको यूट्यूब पे वीडियो मिलती होगी, साथ ही साथ हमारे सीपी स्मार्ट क्लासेस के सर भी आपको डेली न्यूज देते रहते हैं, तो इसके लिए मुझे इस क्लास में डिस्कशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आते हैं अपने सिलेबस पे। देखिए, अगर बात करते हैं टीसीटी पीसीटी के सिलेबस को, तो सिलेबस मैंने आपको बता दिया है कि आपका क्या सिलेबस है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा आपने सिलेबस को देखा है कि सिलेबस आपका कितना लार्ज है और उसे आपको इस तरीके से निचोड़ लेना है कि आप बस एग्जाम में अगर बैठे तो आप कह सके कि हम पूरे प्रिपरेशन से एग्जाम में बैठे हैं अब की बार टीसीटी पर। चलिए आते हैं। देखिए, आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे सेल के बारे में, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके एक दो नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो साइटोलॉजी सेल के बारे में डिस्कशन करते हैं, देखते हैं क्या है ये सेल। आइए, मेरा नाम है खुशी किशोर वानी और मैं आपकी बायोलॉजी टीचर। आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिये, आज की जो टॉपिक है वो आपका है सेल, ठीक है? इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, सेल के बारे में करेंगे। सेल को हिंदी में भाई बोलते हैं कोशिका, कोशिका बोला जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन आपका आता है कि सेल की स्टडी कहाँ पे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही से पूछा जाता है कि सेल की स्टडी कहाँ पे करते हैं, तो आपको बताना है कि भाई सेल की स्टडी साइटोलॉजी में की जाती है, ठीक है? साइटोलॉजी में क्यों की जाती है? क्योंकि साइटो का मतलब क्या होता है? साइटो का मतलब होता है सेल और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, ठीक है? टू स्टडी का मतलब कि आप जिसके बारे में अध्ययन करते हैं, किसके बारे में अध्ययन करते हैं? सेल के बारे में अध्ययन करते हैं, इसलिए हम लोग साइटोलॉजी में सेल पे अध्ययन करते हैं, ठीक है? आपको ये समझ में आ गया होगा। आई होप कि कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी ये पॉइंट आपको समझने में, ठीक है? सेकंड पॉइंट अगर हम लोग बात करते हैं कि सेकंड पॉइंट आता है आपका यहाँ से क्वेश्चन कि सेल है क्या, कि वास्तव में सेल क्या है भाई, ऐसा क्या है इस सेल में जहां से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आइए मैं आपको बता देती हूँ भाई। आपको मालूम होना चाहिए कि सेल से ही आपका पूरी बॉडी तैयार हुई है। हाँ, अगर आपका सेल नहीं है तो आपकी बॉडी भी नहीं है, क्योंकि सेल से ही बॉडी तैयार हुई है। कैसे? हम लोग बोलते हैं कि सेल इट इज फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना? मतलब कि कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है और इसी इकाई से जीव का जीवन प्रारंभ होता है, है ना? इसी पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं कि भाई अगर सेल को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है हमारे लाइफ के लिए, तो वास्तव में सेल है क्या, तो आइए देखते हैं कि सेल से हमारी बॉडी कैसे तैयार हुई है, ठीक है? ये आपका सेल। अब देखिए, सेल का क्या होता है? डिवीजन होता है, सेल का डिवीजन होता है। सेल का डिवीजन होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है? ये आपकी कोशिका है और जब कोशिका डिवाइड होती है, डिवीजन होती है, तो दो कोशिका का निर्माण होता है, दो नई कोशिका का निर्माण होता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है? जब कोशिका विभाजन हुई, विभाजन के पश्चात आपकी दो कोशिका का निर्माण हुआ, ठीक है? उसके बाद भाई देखिए, ये दो कोशिका हो गए, अब ये इसका भी डिवीजन हुआ और इसका भी निर्माण हुआ, इसका भी डिवीजन हुआ, इसका भी निर्माण हुआ, इस तरीके से भाई बहुत सारे कोशिका का निर्माण हो गया, ठीक है? और बहुत सारे कोशिका के निर्माण होने के बाद हम कहते हैं कि कई कोशिकाओं के या कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं? कोशिकाओं के समूह को हम नाम देते हैं टिश्यू। क्या नाम देते हैं भाई? टिश्यू नाम देते हैं, ऊतक नाम देते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं ऊतक। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि क्वेश्चन पूछता है कि ऊतक किसे कहते हैं, तो आप बता दोगे कि कई कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? ऊतक कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल क्या? टिश्यू, ठीक है? ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू, ठीक है? ये क्लियर हो गया आपको। सेल का डिवीजन हुआ और डिवीजन होने के बाद कई सेल्स हो जाते हैं, कई सेल्स के ग्रुप को हम लोग क्या बोल देते हैं भाई? टिश्यू बोल देते हैं, ऊतक बोल देते हैं। आई होप की अंडरस्टैंड है ना। चलिए अब देखिए, बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे। जब सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं, तो ये टिश्यू का भी डिवीजन होता है, क्योंकि टिश्यू किससे मिलकर बना है? सेल से बना है। तो जिस तरह से आपके सेल्स का डिवीजन हुआ और कई सारे टिश्यू इकट्ठा हो गए, वैसे ही आपके टिश्यू का जब डिवीजन होगा, तो पहले दो टिश्यू, फिर कई टिश्यू, फिर कई टिश्यू, इस तरीके से कई सारे टिश्यू इसके इकट्ठे हो जाएंगे, डिवीजन करके कई सारे टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाएगा, कई सारे टिश्यू निर्माण कर लेंगे। तो कई सारे टिश्यू के समूह को हम लोग नाम देते हैं क्या? तो आपको याद रखना है और बता देना है, कई सारे टिश्यू के समूह को बोलते हैं भैया ऑर्गन। क्या बोलते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन बोले तो क्या? अंग, है ना? यहां तक समझ में आ गया आपको? टिश्यू से क्या, सेल से क्या?
आपके पास लंग्स है, ठीक है, आपके पास किडनी है, ठीक है, आपके पास किडनी है, ठीक है, आपके पास और क्या है भैया, आपके पास और भी है, स्टोमच है, है ना, स्टोमक है, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे आपके पास क्या है, आपके पास ऑर्गन प्रेजेंट है। और यही ऑर्गन को, यही ऑर्गन अगर एक ग्रुप बना ले तो इसी ऑर्गन के ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, ऑर्गन सिस्टम बोलेंगे। जब आपके ऑर्गन के कई सारे ग्रुप बन जाएंगे तो इसी ऑर्गन के ग्रुप को ऑर्गन सिस्टम बोलेंगे। ऑर्गन सिस्टम बोले तो क्या, जैसे कि अगर आपका हर्ड है तो हर्ड का ग्रुप हो जाएगा। तो हर्ड के ग्रुप का मतलब कि बहुत सारे हर्ड नहीं, हर्ड का मतलब होता है कि भाई आपके एक ऑर्गन है और ऑर्गन से एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। और एक ऑर्गन सिस्टम जैसे कि हर्ड है तो आपको बन गया कौन सा सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम भैया, सर्कुलेटरी सिस्टम बन गया, ठीक है। लंग्स है, लंग्स से क्या करते हो आप, सांस लेते हो, तो सांस लेते हो तो कौन सा सिस्टम बना दोगे आप, कहोगे मैम रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो श्वसन तंत्र आपका बन गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका बन गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद भैया किडनी है, ठीक है, किडनी को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुर्दा, है ना। तो भैया गुर्दा है, गुर्दा से क्या करते हैं, हमारे बॉडी की जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर करते हैं। तो आप यहाँ पे क्या बन गया, उत्सर्जन तंत्र बन गया, जिसको एक्सक्रेटरी मटेरियल बोलते हैं, है ना, एक्सक्रेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गया। इस तरीके से आपके बॉडी में कई सारे सिस्टम प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं सिस्टम से आपकी क्या बनती है, इन्हीं सिस्टम से आपकी बॉडी बनती है। क्योंकि आपके शरीर में क्या है, आपके शरीर में पूरा सिस्टम प्रेजेंट है। आपके शरीर में क्या है, आपके शरीर में पूरा सिस्टम प्रेजेंट है। यहाँ तक कि अगर हम बात करते हैं भैया क्या, अगर हम सोचते हैं कुछ तो हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम। अगर हम कुछ सोच रहे हैं तो पढ़ लेंगे नर्वस सिस्टम, ठीक है। अगर हम सांस ले रहे हैं तो हम लोग पढ़ लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर हम लोग कुछ एक्सक्रेटरी मटेरियल को बाहर कर रहे हैं तो पढ़ रहे हैं हम लोग क्या, सॉरी एक्सक्रेटरी मटेरियल, ठीक है सर, एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो इस तरीके से आपकी बॉडी में क्या प्रेजेंट है, आपकी बॉडी में ओनली प्रेजेंट है तो पूरा सिस्टम, पूरा सिस्टम से ही तुम्हारी बॉडी चलता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि कोशिका से आपकी बॉडी बनी, इसीलिए कोशिका को बोला जाता है कि इट इज फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हिंदी में अगर बात करें, कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है और इसी इकाई से जीव का जीवन प्रारंभ होता है, ठीक है। आई होप कि अंडरस्टैंड आप लोग यहां तक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। हालांकि यहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्वेश्चन एक आता है कि सेल की स्टडी कहां पे करते हैं, आपको बताना है कि साइटोलॉजी में किया जाता है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, जो आपको सही लगे वो आप कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, कहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं वहां पे आते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन पूछा जाता है सेल से, आपने बताया सेल की स्टडी भैया साइटोलॉजी में करते हैं, है ना, साइटोलॉजी में करते हैं। सेल की खोज किसने की थी, तो आपको बताना है कि सेल की जो खोज हुई थी वो रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में सेल की खोज की थी। और उन्होंने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था, देखने के बाद उन्हें जो संरचना दिखी थी वो दिखी कैसे थी, मधुमक्खी की जैसी, मधुमक्खी के छत्ते की तरह इनको संरचना दिखी थी। इन्होंने बताया कि भैया जो आपका सेल है वो मधुमक्खी के छत्ते की तरह इसका स्ट्रक्चर है, संरचना है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए सेल की उत्पत्ति कहां से हुई थी, तो सेल की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी, अगर बोला जाए तो सेला शब्द से हुई थी। और सेला का मतलब होता है क्या, रूम। तो पहले बोला गया था कि सेल रूम है, ठीक है, सेल रूम है। और इस तरीके से फिर बाद में जब देखा गया तो वहां पे कुछ इस तरीके से इसका सैंपल बना था, तो यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट थे। तब इन्होंने जब देखने के बाद बोला कि भैया ये एक सेल है और एक जो सेल है वो मधुमक्खी के छत्ते की तरह इसकी संरचना दिखेगी। हालांकि यहाँ पे हम लोग बहुत डीप में बात नहीं करेंगे, बस इतना आपको जो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए इम्पोर्टेंट है वहां पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो जिसमें क्वेश्चन आपका पूछा जाता है सेल की खोज कब हुई थी, तो रॉबर्ट हुक ने किया था और 1665 ईस्वी में किया था। अच्छा, जो ये 1665 में खोज हुई थी ये डेड सेल की खोज हुई थी, ठीक है, डेड सेल की खोज हुई थी, मृत कोशिका की खोज हुई थी। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता जल्दी कि सेल की खोज किसने की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, आपको बताना है कि जीवित कोशिका की खोज जो हुई थी वो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी, ठीक है। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वही लाइफ सेल की खोज की थी। तो एंटोनी
लॉरी वॉन लीवेनहॉक ने लाइव सेल की खोज की थी और डेड सेल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, यहां तक मुझे लग रहा है कि कोई भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, आई होप कि कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको याद रखना है, आपको याद रखना है कि आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो साइटोलॉजी है, ठीक है, ये साइटोलॉजी टर्म किसने दिया था, तो आपको याद रखना है कि अगर पूछा तो आप बता सकते हो कि हर्डविंग ने एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, हर्डविंग, ठीक है, हर्डविंग एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, विगो था साइंटिस्ट, विगो, ठीक है, साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइटोलॉजी टर्म दिया था। ठीक है, तो टर्म को याद रखेंगे कि नाम साइटोलॉजी किसने दिया था, हर्डविंग ने दिया था, खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में डेड सेल की खोज थी और लाइव सेल के एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कौन है, तो अगर जब यहाँ पे बात आती है मॉडर्न साइटोलॉजी की, ठीक है, जब बात आती है भाई मॉडर्न साइटोलॉजी की, तो आपको याद रख लेना है कि फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी जो है वो स्वानसन है। ठीक है, कौन है भैया, स्वानसन है, और स्वानसन ने एक बुक भी लिखी थी जिस बुक का नाम था द सेल। ठीक है, जिस बुक का ही पूरा क्या नाम था, द सेल था। तो मॉडर्न साइटोलॉजी डिस्कवर कौन थे, स्वानसन थे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कौन है, ठीक है, इंडियन साइटोलॉजी कौन है, तो आपको यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बता देना है कि इंडियन जो साइटोलॉजी है, ठीक है, जिसका नाम क्या है भैया, एके शर्मा, ठीक है, एके शर्मा जी थे, एके शर्मा जी थे, इन्होंने क्या किया था, इंडियन साइटोलॉजी के बारे में डिस्कवर किया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, तो आपको याद रखना है कि द सेल बुक लिखी थी। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग डिस्कवर में थोड़ा सा, किसकी सेल थ्योरी में, ठीक है, कि सेल की थ्योरी किसने दी थी, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, सेल की थ्योरी किसने दी थी, तो सेल की थ्योरी भाई दो वैज्ञानिक थे। ठीक है, एक का नाम था स्लाइडन और एक का नाम था स्वान। ठीक है, एक जर्मनिस्ट थे और एक बॉटनिस्ट थे, मतलब एक जूलॉजी के फादर थे, एक जूलॉजी के बारे में बताया था, एक बॉटनी के बारे में बताया था। ठीक है, मतलब एक पादप कोशिका पे इन्होंने स्टडी किया था और एक एनिमल्स पे स्टडी किया था। ठीक है, तो इस तरीके से दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सेल थ्योरी पे डिस्कशन किया था, और उन्होंने सेल थ्योरी में क्या बताया था, तो स्लाइडन एंड स्वान ने सेल थ्योरी में दो बात बताई थी। एक बात तो उन्होंने ये बताई थी कि सभी कोशिका, सभी जीव कोशिका के प्रोडक्ट से बने होते हैं, कोशिका के उत्पाद से बने होते हैं, पहला पॉइंट इन्होंने ये बताया था। दूसरा पॉइंट बताया था कि जो सेल होता है, सेल्स की जो आउटर कवरिंग होती है जिसमें सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल होता है, तो जो सेल वॉल होता है वो केवल प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल्स में क्या होता है, अब्सेंट होता है। ये बात सेल थ्योरी में की गई थी। तो क्वेश्चन आता है कि सेल थ्योरी किस वैज्ञानिक ने दी थी, तो आपको याद रखना है कि स्लाइडन एंड स्वान ने। ठीक है, स्लाइडन और स्वान एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सेल थ्योरी के बारे में बताया था। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे सेल थ्योरी पर। स्लाइडन जो थे वो एनिमल सेल्स के थे, ठीक है, इन्होंने एनिमल सेल्स पर वो किया था, और जो स्वान थे उन्होंने प्लांट सेल्स पर किया था। ठीक है, इस तरीके से दो वैज्ञानिक मिलकर क्या किए थे, सेल थ्योरी दिए थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डिस्कशन करते हैं जो आप लोग को याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है भाई, कि हम लोग क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये एंटोनी वॉन लीवेनहॉक थे, ये एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जी क्या सिर्फ और सिर्फ लाइव सेल की खोज किया था, नहीं, उसके अलावा भी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक प्रोटोजोआ की खोज की थी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, प्रोटोजोआ की खोज की थी, आरबीसी की भी खोज की थी, और स्पर्म सेल की खोज की थी, और साथ ही साथ माइक्रोबायोलॉजी की भी खोज की थी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी की भी खोज की थी। माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है भाई, माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया की स्टडी की जाती है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया की स्टडी की जाती है, और बैक्टीरिया की भी खोज किसने की थी, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने ही की थी, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने ही की थी। तो भाई प्रोटोजोआ, आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, इस पर एक गैमेट सेल्स होते हैं, मतलब प्रजनन कोशिका होती है। ठीक है, और माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया की स्टडी की जाती है, सभी का डिस्कवर किसने किया था, ये एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने ही किया था, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो
ये हुआ ये, अच्छा ये तो हम लोगों ने केवल डिस्कशन किया किस पे, डिस्कवर पे, और इतने सारे डिस्कवर आपके यहाँ पे निकले। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऐसे कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये बताया कि नई कोशिका का निर्माण कैसे किया जाता है। तो एक रुडोल्फ विर्चो एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, क्या नाम था भैया इनका, रुडोल्फ विर्चो। ये रुडोल्फ विर्चो एक वैज्ञानिक थे जो आए और कहे भैया रुको, क्या रुको, डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल ऑफ फॉर्मेट, किसी ने ये नहीं बताया कि नई कोशिका का निर्माण कहां से होता है। तो उन्होंने बताया भाई कि नई कोशिका का निर्माण सेल डिवीजन से होता है। कोशिका का जब विभाजन होता है तो वहां से क्या होता है, नई कोशिका का निर्माण होता है। तो ये बात किसने बताई, रुडोल्फ विर्चो ने बताई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है कि नई कोशिका का निर्माण किस वैज्ञानिक ने बताया, किस वैज्ञानिक ने बताया, तो आपको याद रखना है रुडोल्फ विर्चो ने बताया, ठीक है। तो ये हुआ भाई आपके डिस्कवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं थोड़ा सा हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पूरे यूनिवर्स में सबसे लार्जेस्ट शेल कौन सा है। तो लार्जेस्ट शेल इन यूनिवर्स, इसको रफ कर दे भैया, ठीक है, इसको रफ कर दे रहे हैं, लार्जेस्ट शेल इन यूनिवर्स, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आने वाला है क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लार्जेस्ट शेल इन यूनिवर्स, ठीक है, इन यूनिवर्स। भाई देखो हम आपको दो बात बता रहे हैं, देखिए बायो पढ़ने का बहुत ही बड़ा फायदा क्या, एक तो हमें अपनी बॉडी के बारे में पता चलता है, दूसरा हमारे आसपास के प्लांट के बारे में पता चलता है, इसलिए ये हमारा बहुत ही ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट है। हालांकि अगर सब्जेक्ट है तो फेवरेट होगा भी, है ना। चलो तो भाई देखो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हो, स्पेशली अगर आप बायो से अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो टीजीटी पीजीटी के लिए या एलटी ग्रेड के लिए, तो याद रखिएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए एक एक चीज जानना, एक एक चीज को बारीकी से जानना, ठीक है। क्योंकि देखिए आपके लाइफ में दो चीजें हैं, एक तो ये कि आपको एग्जाम देकर पास होना है जिसमें आपको जॉब लगनी है, एक तो ये कि आपको अपनी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए जिससे कि आप अपना ब्रेन का यूज कर सको। आपको पता होना चाहिए कि ब्रेन हमारा कैसे चलता है, कैसे हमारे बॉडी के ऑर्गन चलते हैं जिससे कि हमारा माइंड ज्यादा तेज जाए, तो ठीक है। इसलिए अच्छा चलिए वो तो बात की बात है, ठीक है। तो हम क्या बता रहे थे, हम ये बता रहे थे कि लार्जेस्ट सेल इन यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है, तो आपको बताना है भाई ऑस्ट्रिच, ठीक है, ऑस्ट्रिच सेल जिसे बोलते हैं शुतुरमुर्ग के अंडे, ठीक है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो आपको क्या बताना है भाई, आपको बताना है नर्वस सिस्टम, ठीक है, मतलब कि नर्व सेल, ठीक है, नर्व सेल, नर्व सेल को बोलते हैं हिंदी में तंत्रिका कोशिका, ठीक है, तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका दोनों कौन सी है, नर्व सेल, जिसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं, और जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है, जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपका आता है कि स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल इन यूनिवर्स, ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल इन यूनिवर्स, तो आपको बताना है क्या भैया, आपको बताना है कि पूरे यूनिवर्स में माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है जो जिसका सेल सबसे स्मॉल होता है, इसको हम लोग PPLO के नाम से भी जानते हैं, पॉलीप्यूरोल निमोनिया लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, पॉलीप्यूरोल निमोनिया लाइक स्ट्रक्चर, या सॉरी लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, स्ट्रक्चर नहीं, पॉलीप्यूरोल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका फुल फॉर्म होता है, इसको PPLO के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लांट किंगडम का जोकर किसे कहते हैं, एनिमल्स किंगडम का जोकर किसे कहते हैं, तो ये माइकोप्लाज्मा को ही कहते हैं, माइकोप्लाज्मा को प्लांट किंगडम का जोकर और एनिमल्स किंगडम का जोकर भी कहा जाता है, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, क्यों कहा जाता है ये, जब आप लोगों को मतलब कि आप लोगों को डाइवर्सिटी वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी, ठीक है, तब मैं वहां पे बताऊंगी आपको क्यों कहा जाता है, ठीक है। चलिए तो अब क्वेश्चन आता है सेकंड कि क्या क्वेश्चन आता है भाई, कि स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है,
smallest cell in human body. Smallest cell in human body. तो आपको बताना है भाई कि smallest cell in human body, एक तो आपका होता है देखिए ग्रैनुअल सेल, ठीक है, क्या होता है भैया ग्रैनुअल सेल, ग्रैनुअल सेल्स की जो साइज होती है वो होती है 4.5 माइक्रोमीटर, ठीक है, और एक होता है आपका आरबीसी जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल, जिसकी साइज होती है 5 माइक्रोमीटर। तो भाई यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि ह्यूमन बॉडी के शरीर में, ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है। अब हमें बहुत कंफ्यूजन कर देता है कि ग्रैनुलर सेल तो 4.5 होता है, आरबीसी 5 होता है, तो हमारे अकॉर्डिंग तो 4.5 ही सही होना चाहिए, लेकिन कुछ एग्जाम कुछ जगह पे भाई क्या होता है बुक में कि आरबीसी दिया होता है, ग्रैनुलर सेल्स बहुत कम दिया होता है। तो डिपेंड करता है भाई आपके ऑप्शन के ऊपर, ऑप्शन में कैसा पूछता है, अगर बोथ दिया है तो बोथ में भी आप लगा सकते हो, अगर ग्रैनुलर दिया है तब तो आप ग्रैनुअल सेल्स ही लगाओगे, अगर नहीं दिया है तो आरबीसी लगाओगे, ठीक है, क्योंकि ग्रैनुअल सेल्स और आरबीसी दोनों की साइज में, सॉरी इसके साइज में डिफरेंट है, इसकी 4.5 होती है, जब कभी नेट से भी सर्च करोगे तो वहां पर ग्रैनुअल सेल्स और आरबीसी दोनों दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन आरबीसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, हर बुक में आरबीसी का ही नाम मेंशन है, ठीक है। अच्छा, ग्रैनुअल सेल्स जो होता है वो आपके ब्रेन में प्रेजेंट होती है, ठीक है, इसके बारे में ब्रेन वाले चैप्टर बताएंगे, ठीक है, चलिए यहां तक आपको समझ में आया। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट गैमेट सेल्स का नाम बताओ, तो ह्यूमन बॉडी में अगर लार्जेस्ट गैमेट सेल्स की बात की जाए तो यहां पे आपको याद रखना है, भाई मार्कर उठा दीजिए, ठीक है, हाँ देखिए अगर आपका पूछा जाए गैमेट सेल्स, स्मॉलेस्ट गैमेट सेल्स कौन सी होती है, गैमेट सेल्स का मतलब होता है प्रजनन कोशिका, तो प्रजनन कोशिका में आपको बताना है क्या, आपको बताना है भैया स्मॉलेस्ट की बात अगर आप करते हो और वो भी गैमेट की बात अगर करते हो तो आपका होता है क्या स्पर्म, ठीक है, क्या होता है स्पर्म, और ये स्पर्म सेल क्या होता है, ये स्पर्म सेल आप जब रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे आपको बताया जाएगा स्पर्म होता है, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट होता है, वो गैमेट सेल्स होती है, प्रजनन कोशिका होती है, और एक होता है भाई ओवम जो लॉन्गेस्ट होती है, ठीक है, मतलब कि अगर पूछा जाए लार्जेस्ट की बात तो लार्जेस्ट में आप ओवम बताओगे, लेकिन गैमेट में, ठीक है, गैमेट में, और अगर स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो स्पर्म बताओगे। तो ये तो हुआ भाई आपकी एकदम बेसिक बेसिक से बेसिक सेल की बातें, जहां से इतने सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको देखिए, मैं आपको जो जब मैं पढ़ाऊंगी आपको आपकी लाइव क्लासेस के साथ सीपी स्मार्ट क्लासेस में, तो मैं आपको दो ही बातें इंपॉर्टेंट बता दूं कि आपका चैप्टर इस तरीके से कंप्लीट कराया जाएगा कि आपको कम से कम समय में आपको बहुत सारी चीजें दी जाएगी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी बात ये है कि आप देखिए पढ़ाते तो सभी लोग हैं, सभी अपने यूट्यूब पे सभी की क्लासेस चलती है, ऑनलाइन बहुत सारी चलती है, और आप लोगों ने शायद बहुत सारी जगह क्लास भी किया है, लेकिन मैं आपको देखिए मेरी खुद की नोट्स होगी, मैं किसी के नोट्स या किसी के पढ़ाने के तरीके पर नहीं जाती हूँ, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके कम से कम समय में सिलेबस को कंप्लीट करूंगी, प्लस आपको रिवाइज कराऊंगी, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करूंगी जिसमें से डिस्कशन करेंगे हम लोग सेल्फ पर, क्वेश्चन के साथ डिस्कशन करते करते एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे, ठीक है, विथ आपको पूरी पूरी चीजें आपको दी जाएगी सीपी स्मार्ट क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जुड़िए हमारे साथ और जल्दी से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, क्लास को परचेस करिए, क्योंकि क्लास आपकी 25 जनवरी से स्टार्ट कर दी जाएगी, लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, और कहीं ऐसा ना हो कि आपको देर हो जाए और आपको बहुत कुछ मिस हो जाए, तो ऐसी गलती आप मत करिए, डाउनलोड करिए सीपी स्मार्ट क्लासेस, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं भाई किसके बारे में, यहां तक तो हमें समझ में सब कुछ आ गया, कल हम जो आप लोगों को डिस्कशन करेंगे सेल के बारे में वो डिस्कशन होगा किसके बारे में भैया, वो डिस्कशन करेंगे हम लोग सेल्स में उसके स्ट्रक्चर के बारे में, क्या होता है ये सेल और कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ये आपकी बेसिक क्लासेस की, सोचिए बेसिक क्लास में आप लोगों ने इतना कुछ अगर जाना हमसे, तो आप लोग डीप में जब आप लोग जब इसके स्ट्रक्चर पे आओगे तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताई जाएगी, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी हम लेते हैं आपसे, एक भी क्वेश्चन छोटा सा छोटा क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगी, आप कहीं से भी आपका नहीं छूटेगा, अगर आपने आज
इस क्लास में अगर आपने हमसे बायो पढ़ लिया तो आप यकीन मानिए कि आप किसी भी एग्जाम के लिए बैठिए, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, स्पेशली अगर बायो के लिए। अगर आप किसी वन डेस्क एग्जाम का एग्जाम देने जाओगे, या आप तो एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन कर ही रहे हो क्योंकि इसका सिलेबस इतना लार्ज है और पूरा पूरा बायो का टॉपिक इसमें आ जाता है। थोड़ा वो जो नहीं रहता है वो अलग की चीज़ है, बाकी आपको बहुत सारे एग्जाम के लिए बैठते हो तो वो सारे एग्जाम के प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप डिजिटी पेजिटी की बायोलॉजी को कंप्लीट अगर आप पढ़ लेते हो पूरा पूरा तो। ठीक है, ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग बात करेंगे सेल के स्ट्रक्चर पे आएंगे और जहां से हमें बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। ओके, मेरा नाम है खुशी कौशलवानी और आप हमसे जुड़े रहिए और बाकी तो आप जान रही हो। ओके, थैंक यू।